नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। स्वाति यादव आज वोटों की अपील के लिए भिवानी की बार एसोसिएशन पहुंची। भिवानी महेंद्रगढ़ से जसपा व आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी स्वाति यादव का विशेष बयान। जेजेपी संरक्षक व पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला का आपत्तिजनक बयान पर टालमटोल करते हुए कहा कि खुद महिला होते हुए भी दिया बयान। वहीं कांग्रेस नेता किरण चौधरी व कांग्रेस प्रत्याशी अब इस बात का भी मुद्दा बना रही हैं। इस तरह के बयानबाजी करने पर महिलाओं के अपमान पर कहा स्वाति यादव ने, महिलाओं का इस तरह से बयानबाजी से कोई अपमान नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस बात की सच्चाई है। अजय चौटाला ने विश्वास के साथ अपनी बात सामने रखी है। भाजपा उम्मीदवार धर्म सिंह मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो वहीं कांग्रेस की उम्मीदवार बंसी लाल के नाम पर वोट मांग रही है। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। हरियाणा में जहां आजकल चल चलाती गर्मी में और इसकी वजह से पारा चढ़ा हुआ है तो वहीं लोकसभा के प्रचार की गर्मी भी लगातार बढ़ रही है। राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार प्रसार व अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में भिवानी महेंद्रगढ़ की जजपा व आप उम्मीदवार स्वाति यादव अपने वोटों की अपील के लिए भिवानी की बार एसोसिएशन पहुंची। आप देख रहे हैं पल पल की ये खास रिपोर्ट। गांव-गांव जा रहे हो, कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए आज हम भिवानी जिले में निकले और हम तकरीबन जो है 10 गांव जो है वो सुबह से कवर कर चुके हैं। अभी हम बार एसोसिएशन में हर जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ बहुत ही अच्छा जो है रिस्पांस मिल रहा है और भारी तादाद में जो है महिलाएं जुड़ रही हैं, यूथ जुड़ रहा है बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया के जरिए जो है उसके जरिए भी बहुत सारे जो है लोग जुड़ रहे हैं, यूथ जुड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो आगे भी ऐसी आशा रखती हूँ कि जिस तरह का रिस्पांस आज मिल रहा है आगे भी इसी तरह का रिस्पांस मिलता रहे और अच्छा हमारा कैंपेन चल रहा है, आगे भी ऐसे ही चलता रहे इसकी उम्मीद रखती हूँ। कितने गाँव का दौरा? गाँव जो है वो कवर कर चुके हैं। उसकी बात कर रहा हूँ पूरे उसके दिन के। देखिए हम तकरीबन 35 से 40 गांव रखते हैं। सुबह हम जल्दी शुरू करते हैं और रात को लेट तक चलते हैं, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए प्रचार अपनी जगह पर प्रचार के साथ साथ हमें एक मौका मिलता है अपनी बात को कहने का। और हम कहीं पर भी जाते हैं, सरपंचों से मिलते हैं, जैसे भी बाहर में आए यहाँ पर एजुकेटेड लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनके ओपिनियंस जानने का मौका मिलता है। तो जितना अपने लोगों के बीच में रहेंगे उतना जानेंगे, उतना आगे काम करने में अच्छा मजा आएगा। क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए मुद्दे हमारे वही के वही हैं जैसे मैं पहले बता रही थी, पानी का मुद्दा है एक बहुत बड़ा। आप कहीं पर भी जाइए भिवानी महेंद्रगढ़ जिले में पानी का मुद्दा आपको हर जगह मिलेगा। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, देखिए आप जानते हैं कि आज हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि हमारे पूरे देश में आज बेरोजगारी की क्या स्थिति है, तो उसके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करते हैं तो उस पर काम करना है। पर मेन चीज़ ये है, देखिए इन मुद्दों से ज़्यादा हमारी पार्टी जो है, हम सबकी जो ये पार्टी है, हम बातें करने में बिलीव नहीं करते, हम 70-80 पेज के जो है मैनिफेस्टोज निकालने में बिलीव नहीं करते, हम काम करने में बिलीव करते हैं और जिस दिन सांसद बनेंगे उस दिन काम करके भी दिखाएंगे। सबसे पहला जो काम सांसद, मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ, पहला काम कुछ नहीं होता क्योंकि मुद्दे सबके हैं। देखिए एक छोटे बच्चे के लिए मुद्दा है कि मुझे सही से स्कूल जाना है, एक बुजुर्ग के लिए मुद्दा है कि मुझे सही से पेंशन चाहिए, एक महिला के लिए मुद्दा है कि मुझे सुरक्षा चाहिए, मुद्दे सबके उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ों पे काम किया जाएगा, एक वन स्टेप अप्रोच लेके आप किसी भी सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो आपका जो ये है, अलग अलग लेवल्स पे हमको काम करना पड़ेगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे पॉलिसी मेकिंग है, चाहे लॉ मेकिंग है। तो आज सब लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि देखिए एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जो है आगे करने का मौका दीजिए, आगे करने का अवसर दीजिए, बहुत अच्छा काम करेंगे, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, आगे भी अच्छा सपोर्ट मिलता रहेगा, सबको साथ लेके चलेंगे। मुख्य मुकाबला किससे मानते हो, कौन सी पार्टी? मुख्य मुकाबला सर मैं किसी से भी नहीं मानती, क्योंकि देखिए अगर मुख्य मुकाबला होता किसी के साथ तो वो अपने काम के बलबूते जो है आज वोट मांग रहे होते। आज एक जो कंपेटिटर है, आज एक जो प्रत्याशी है वो बंसीलाल जी के नाम पर वोट मांग रही है, एक जो प्रत्याशी है वो मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और मैं अपनी काबिलियत के नाम पर वोट मांग रही हूँ। मैं बात की जाए श्रुति और किरण चौधरी का, उस पर अजय चौटाला जी ने फ्रॉड कहा है, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए मैं ये कहना चाहूंगी कि विपक्ष का तो काम है कुछ ना कुछ कहना, लोग तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। पार्टी के नेता ने कहा जी जी नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ जो अब वो लोग बात बना रहे हैं इस बात का, जो श्रुति चौधरी जी या किरण चौधरी जी हैं जो बात बना रही हैं इसका, ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं उठाया गया। मैं वहीं थी जब सारा उसकी जो अजय चौटाला जी को बोला है उन्होंने, साफ रिकॉर्डिंग भी है जी। क्या है साफ रिकॉर्डिंग? उन्होंने कहा है कि जो माँ बेटी दोनों के पेट पेट फटिया बांध के घूम रही थी, उन्होंने दोनों फ्रॉड किया है, फ्रॉड है दोनों माँ बेटियाँ। तो कहीं ना कहीं ये जो महिलाओं का अपमान नहीं है
नहीं, महिलाओं का कोई अपमान नहीं है इसके अंदर। देखिए, आप किसी भी आम जनता से बात करके देखिए और जो सच्चाई है वो सच्चाई है। उन्होंने कॉन्फिडेंस से जो है जो सच बात है उसको सामने रखा है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सेम दोबारा बोलो सारी बातें जो आपने कहा।